दलालों को सजा सुनाए जाने से पहले जनता दरबार में सीएम नीतीश ने जब इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय का यह मामला है और ट्रायल के बाद न्यायालय ने सजा दिया, हालांकि उन्होंने तंज जरूर कसा। देखना है तो आज की बात थोड़ी है। अरे भाई, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा और अपनी जगह पर फिर अपनी श्रीमती जी को बनवा दिए और ये मामला उनका चलते चलते कई चीज़ों में, कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, जेल में भी थे अभी 3 साल के करीब से अंदाज है। अब फिर दूसरे का फैसला हो रहा है और एक आध को शायद और बचा हुआ है तो फैसला हो रहा है, जिसमें क्या कहना है। अपने मुख्यमंत्री के रूप में जो भी काम हुआ और उसके बारे में कितनी चर्चा हुई, अब आज तो उनके साथ जो लोग हैं केस करने वाले थे, ये पता है ना, नंबर याद करा दीजिए ना केस कौन कौन किए थे। केसवा जब किए थे तो मेरे पास भी आए थे कि नहीं नहीं केस करना है तो आप करिए, सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे, अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है। चारा घोटाले में लालू यादव की सजा पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसके अलावा बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी लालू की सजा पर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा। यही प्रतिक्रिया, दूसरा क्या है, अगर हम भी करेंगे तो वही करेंगे, भरेंगे और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो समाज का परंपरा है और ये तो शुरू से सृष्टि ही है हमारे यहाँ की, कर्म के आधार। देखिए, रटा रटाया एक तकिया कलाम है कि पिछड़े तीसरे फंसा दिया गया, बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया। अरे, कोर्ट किसी पार्टी का नहीं होता। आपको 5-5 मामलों में कोर्ट ने सजा दी है, किसी बीजेपी के जज ने सजा नहीं दी है। तो इसलिए जो आपने किया वो आप भर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस उम्र में उनका जेल जाना मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कानून अपना काम करता है। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ है इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य उन लोगों को हो सकता है जिन लोगों ने पेयल दाखिल किया और फिर लालू जी से जाकर हाथ मिला लिया।